पलवल के गांव आमरू में पंचायत वाहक के रास्तों पर लंबे समय से गांव के तबंगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई थी। पंचायत वाहक द्वारा उन्हें कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन तबंग रास्ते को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, जिसके बाद गांव के रास्तों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए पलवल की डीसी नेहा सिंह ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर आदेश दिए हैं कि भारी पुलिस बल के साथ पंचायत वाहक गाँव आमरू में अवैध कब्जे हटाए जाएं। आज प्रथला पीडीपीओ प्रवीण कुमार और गतपुरी थाना प्रभारी राजवीर सिंह पुलिस बल के साथ गांव आमरू पहुंचे और अवैध कब्जों पर पीला पंजा चलाया गया। पुलिस की मौजूदगी के कारण तबंगों की एक न चली और रास्तों से अवैध कब्जों को हटा दिया गया। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आगे से भी सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा करता हुआ पाया गया तो उस पर भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। गांव में अवैध कब्जे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गांव के कुछ दबंग लोगों ने पंचायती रास्ते पर कब्जा किया हुआ था, जो हमारे पास वीडियो प्रवीण जी है अपना प्रथला से, वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, उनकी तरफ से चिट्ठी आई थी और हमारे क्या नाम है लगभग 30 मुलाजिम के करीब ड्यूटी लगाई गई है। रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था, उसकी वजह से ग्राम पंचायत ने दो नोटिस दिए। नोटिस देने के बाद भी ये कब्जा खोल नहीं रहे थे और परेशानी हो रही थी बहुत ज्यादा, और ये रास्ता पब्लिक के लिए खुलवाया जा रहा है। आज तो केवल हम पंचायत को, पंचायत अमरू ने ही डिमांड करी है, तो इस अमरू पंचायत के ही कब्जा हो रहा है उसको हटवाएंगे। इसके साथ में पंचायत की जमीन पे बड्डा होते हैं, वो कब उन पर भी कब्जा किया हुआ है। एक इनकी आंगनबाड़ी बनी हुई है चौपाल टाइप, वहाँ भी कुछ कब्जा किया हो तो उस कब्जों को हटवाया जाएगा। ये इलेक्शन पीरियड में जब कोई सरपंच नहीं होता ना, उस टाइम पे कब्जा कर लेते हैं। प्रशासक के पास भी टाइम इतना नहीं होता, इलेक्शन में बिजी होने की वजह से कई बार ये अपना भाईचारा भी निभाते हैं। सरपंच पुराने जो होते हैं वो भाईचारा निभाते हैं और उन कब्जा करवा देते हैं।